आम्ही पूर्ण सावन अवेन्यू 1 ये पूर्ण एक ताकतीनं सेक्टर 5 एक ताकतीनं तलुजा फेडरेशनच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यास आम्ही तयार आहोत पाण्याच्या प्रश्नांसाठी. येस येस डेफिनेटली. हम लोग का जो अभी फेडरेशन का जो रैली है संडे 10:30 मॉर्निंग में, तो हम लोग सब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी आपके हक की लड़ाई है. जी जी का जो तलोजा फेडरेशन की वजह से जो हमारा जो जाने वाला है उसमें हम पूरी सावन एवेन्यू की टीम हमारी पूरी आएगी रेसिडेंट. ये हमारा श्योरिटी है कि हम सब आएंगे वहाँ पे. हाँ शंकर, लास्ट ईयर हमारा अराउंड 1,00,000 रुपये हम लोग ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ पानी के पीछे, पानी के टैंकर के पीछे. आप सभी तलोजा फेज़ 1 और फेज़ 2 वासियों से रिक्वेस्ट है, आप निकलिए और अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेके निकलिए. संडे का दिन है, आपके हिसाब से हमने चुना है. कुछ समय दीजिए, मत जाइए बाहर, पिकनिक में मत जाइए, सिनेमा घर मत जाइए. अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी के लिए टाइम दीजिए. ये आपके हक की लड़ाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू. नमस्ते, मैं वैभव पवार, सेक्टर 5 रहवासी असून प्लॉट नंबर 87 इथे सावन अवेन्यू 1 या बिल्डिंगचा चेअरमन म्हणून कार्य करत आहे. आमच्या सेक्टर 5 प्लॉट नंबर 87 सावनच्या बिल्डिंगमध्ये काहीही पाणी येत नाही. सिडकोच्या प्रशासनाला आम्ही एकदा नाही, दोनदा नाही, 10 वेळा आम्ही त्यांना प्रश्न उपस्थित करतो किंवा पाण्याच्या टँकरची मागणी करतो, पण आम्हाला पाण्याचे टँकरही आपल्याला काही भेटत नाही. त्याचप्रमाणे आमचे रहिवासी आहेत सेक्टर 5 किंवा आमच्या सावन अवेन्यू 1 या रहिवाशांना पाण्याचा तुटवटा असल्यामुळे त्यांना बऱ्याच काही गोष्टींच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. काय तर आम्ही पूर्ण सावन अवेन्यू 1 हे पूर्ण एक ताकतीनं सेक्टर 5 एक ताकतीनं तलोजा फेडरेशनच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यास आम्ही तयार आहोत पाण्याच्या प्रश्नांसाठी. मैं चंदन मिश्रा इस बिल्डिंग में ही रहता हूँ और हमारे यहाँ पे भी पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है. ये पिछले 2-3 सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं. लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से काफ़ी फंड जो है वो एक्सपेंड किया गया टैंकर मंगाने के लिए. इस बार भी वो कंटिन्यूस चालू है. हम लोगों को पानी जो है वो सिर्फ 1/2 घंटा ही मिल पाता है, बिकॉज सिडको से काफ़ी कम सप्लाई आता है इसके वजह से. नहीं नहीं, इधर अभी कैसा है कि सेक्टर 5 में ही पानी बहुत कम आता है, उसके वजह से यहाँ पे क्या है अभी एक साथ सब टैप ओपन करते हैं तो एक सबको प्रेशर बहुत कम आता है. प्रेशर कम की वजह से जो है सफिशियंट वाटर हमारे पास स्टोरेज होता नहीं है और वाटर की टाइमिंग जो है वो भी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है. पानी का तो भ्रष्टाचार वो जो टैंकर सप्लाई सिडको के तरफ से जो होता है उसमें आता है, बिकॉज वो ऑलवेज वो लोग डिनाई करते हैं कि हम पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम कितने लोगों को सप्लाई करेंगे ऐसा टैंकर. तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही है सिडको का. जब बिल देते हैं तो बिल पूरा भरते हैं क्या? बिल्कुल, बिल तो भरते हैं ना. हमारा वाटर चार्जेस जो है वो भी, और इवन अभी तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम चालू हो गई कि हम अगर जिस चीज़ की सर्विस वो हमसे सर्विस चार्ज जो हमसे लेते हैं तो उसके बदले में वो सर्विस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि वो फेल हो रहे हैं उसको प्रोवाइड करने में. चाहे वो सिडको प्रोवाइड करे या फिर PMC प्रोवाइड करे, दोनों में से कोई ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, बट पैसे हमसे बराबर ले रहे हैं वो लोग. यस यस डेफिनेटली. हम लोग का जो अभी फेडरेशन का जो रैली है संडे 10:30 मॉर्निंग में, तो हम लोग सब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. और ये मैसेज सिडको और PMC को लेना चाहिए सीरियसली कि इसके बारे में थिंक करना चाहिए कि कुछ करे. ये तलोजा में कैसा है, वो लोग नंबर ऑफ़ फ्लैट्स नंबर ऑफ़ बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, बट वो अरेंजमेंट उसके हिसाब से नहीं कर पा रहे कि पानी अगर आपने यहाँ पे 5 लाख लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है और पानी आप 2 लाख लोगों के लिए ही दे पा रहे हो, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली. सो दे हैव टू एक्सपेंड देयर रिसोर्सेज, दे आर नॉट डूइंग दैट एक्चुअली. सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है बाई दिस क्रिएटिंग बाई दिस सिडको एंड PMC.
जी, मैं भी सावन एवेन्यू 1 की रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे कई मतलब 2 साल से मैंने देखा है कि पानी की हमको दिक्कत हो ही रही है। पहले हम सोचते थे कि शायद ये गर्मी की वजह से होता है, ऑल ओवर है, बट बाद में हमें पता चला सिनेरियो कुछ और है। यहाँ पे सेक्टर 5 में ही पानी की ज़्यादा तकलीफ़ है, हमने ये नोटिस किया है लास्ट 2 ईयर्स से। यहाँ पर पानी आता ही नहीं है, और आता भी है तो बहुत कम समय के लिए आता है, जिसमें हमें शायद हार्डली हमें हाफ एन आवर पानी मिलता है, जो एक फैमिली के लिए बहुत कम है उसमें सर्वाइव करना हाफ एन आवर में। तो डेली का नीड्स हमारा बेसिक जितना पानी का नीड्स है वो हमको सेटिस्फाइड नहीं होता है। प्लस टैंकर के लिए हम लोग अगर यहाँ से हमारे जो चेयरमैन साहब है, जो सेक्रेटरी साहब है, हम लोग उनके ऊपर फोर्स करते तो वो बोलते टैंकर भी हमको अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा क्या सीन है कि जो टैंकर भी हमको सेक्टर 5 में अवेलेबल नहीं होता है? इसका सिनेरियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के पब्लिक को। एक दूसरे पर बस हम डाउटिंग कर रहे हैं कि ये क्या है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्राइवेट टैंकर भी मंगवाया है बहुत बार। एक्चुअल हमारा जो फंड है, मैंने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो फंड था हमारा, हमने इसके ऊपर सिर्फ पानी के ऊपर वेस्ट किया है, सिर्फ पानी के ऊपर, कि पानी हमें खरीद खरीद कर यूज़ करना पड़ रहा है। प्राइवेट टैंकर से पानी आता है साफ रहता है क्या? प्राइवेट जो टैंकर से जो पानी आता है, मैं बताऊंगी, मैं भी एक स्किन एलर्जिक हूँ, मैंने भी इसमें अपना काफ़ी कुछ मेडिसिंस में पैसे डाला हुआ है, क्योंकि इससे बहुत स्किन रिलेटेड बहुत मतलब एलर्जी हो रही है, हर एक को दिक्कत आ रही है। मेरे घर में तो न्यू बॉर्न बेबी भी है, उसको भी स्किन एलर्जी हो गया है, तो अब हम कितनी समस्या फेस करें। बिल्कुल है। जैसे हम पहले मुंबई सिटी में रहते थे, मुंबई से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ क्या जो हमने सुना था उसके लिए ही हमने शिफ्ट किया कि पता है यहाँ पे पनवेल, न्यू मुंबई, ये सब वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, यहाँ पे कोई चीज़ की ना ड्रेनेज की कभी प्रॉब्लम आती है, ना पानी की कभी प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद 2 साल में ही ये चेंजेस क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो मेन शिफ्टिंग का मतलब था वो यही था, हम मेन मुंबई सबर्ब में रहते थे, बट वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हुए कि यहाँ हमें कुछ बेटर मिलेगा। बट ऐसे लग रहा है कि हमको ये बहुत ही एक नेटिव बहुत ही गांव में आ गए, कभी पानी की समस्या, कभी लाइट की समस्या, मतलब है ही कुछ ना कुछ है ही। जी, जो तलोजा फेडरेशन की वजह से जो हमारा जो जाने वाला है उसमें हम पूरी सावन एवेन्यू की टीम हमारी पूरी आएगी रेसिडेंट, ये हमारा श्योरिटी है कि हम सब आएंगे वहाँ पर। पानीचं प्रॉब्लेम इथे असा आहे की आम्ही महिन्याला आम्हाला जवळजवळ 30 ते 40 टँकर लागतात, आणि टँकर पण ते लवकर ते लवकर अवेलेबल होत नाही आहे। प्रायव्हेट टँकर किती मागवावे लागतात? महिन्याला 30 ते 40 आसपास टँकर लागतात, सिडकोचा पाण्याचा पुरवठा नाही आहे इथे, त्यामुळे 2500 ते 2000 आसपास आम्हाला एक टँकर भेटतो, त्यामुळे आमचं बजेट किती जाते? महिन्याला आमचं जवळपास 30 ते 40 हजार रुपये टँकरसाठी खर्च होतात। गेल्या वर्षी तर आम्ही जवळपास ते 1 लाख रुपयापर्यंत पाण्यासाठी खर्च केलेला आहे। डेफिनेटली सर, हा खर्च वाचायला पाहिजे, आणि सिडकोकडून आम्हालाही पाण्याची 1 लाख हा महिन्याचा ना, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये प्रत्येक वर्षी आम्हाला पाण्यासाठी 1 लाख रुपये जवळपास खर्च करावेच लागतात, ते सोसायटीच्या फंडामधून पैसा जातोच। वाचला पाहिजे असं आमचं मत आहे। त्यासाठी मग काय करावं लागेल? त्यासाठी आता आम्ही सिडकोच्या विरोधामध्ये किंवा आमच्या फेडरेशनने आमचं आंदोलन उद्या रविवारी आंदोलन केलेलं आहे, त्यामध्ये आम्ही सावन ॲव्हेन्यूचे जे पण आमचे रहिवासी आहेत त्यांनी त्यामध्ये सहभाग घ्यायचं ठरवलेलं आहे। मेरा नाम भूपेन बोपचे है, जो सावन ॲव्हेन्यू 1 का सेक्रेटरी हूँ, सेक्टर 5, प्लॉट नंबर 87। जैसे कि आज के दिनों में और कई सालों से चलते आ रहा है, 10 सालों से बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है तलोजा फेस 1 में, ना ही हमें पानी मिलता है, ये तो मेन मुद्दा है। उसके अलावा भी हमारी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ना होने के कारण है सिडको का मैनेजमेंट फेलियर। रही पानी की बात, इनके पास सफिशेंट वाटर है, फिर भी हमें पानी नहीं मिलता है, ना ही टाइम का ठिकाना है। अगर पानी टाइम से आ भी रहा है 2 घंटे बंद कर देगा, फिर 4 घंटे का ब्रेक लेगा, फिर 1 घंटे का देगा, लवारी छोड़ के रखा है। इनके लिए जितने अच्छे बुरे वर्ड यूज़ करें कम है। रही सिडको खारगर मैनेजमेंट की बात, बड़े बड़े न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। हमको प्रूफ के साथ मैं देता हूँ, मैं चेयरमैन, मेरे कमिटी मेंबर्स डेली बेसिस में टैंकर के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैसेज कर दो, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि आपको एक टैंकर भेज रहे हैं। रिकॉर्ड दिखाता हूँ, 1000 मैसेज किया होंगे, इसमें 1 या 2 आया होगा,
वो भी पर्सनल लेवल पे हमारा अटैक होता है, गाली गलौज करेंगे, गंदे वर्ड यूज़ करेंगे, हम लोग हाइपर होंगे, तब कहीं आ गया तो आ गया। अब ये सहने की जो क्षमता है हमारी और हमारे आम नागरिकों की, वो अंतिम क्षण तक आ चुकी है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रोड में उतरना पड़ेगा। हाँ, हम रोड में उतरेंगे, एज पर कानून के हिसाब से हम उतरेंगे और हम कानून के दायरे में हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बस ये मेरा सब था, थैंक यू। थैंक यू जो कि हमारा फेडरेशन है तलोजा फेडरेशन, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि ये आंदोलन को सक्सेस किया जाए। फेडरेशन की लड़ाई नहीं है ये, आप सबकी लड़ाई है, ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी, आपके हक की लड़ाई है। जेब का पैसा, कष्ट से सहा हुआ पैसा फोकट में उनको दे रहे और वही बड़े बड़े होटलों में जाके अयासी कर रहे, वो पैसे वो मिसयूज़ हो रहा है। हमें पता, मैं आज रात के 11 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ, वो पैसा कितने मेहनत से हम कमाते हैं और उनके ब्लैक मनी में और वो लोग कहीं वो यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे शब्द है, थैंक यू। आप सभी तलोजा फेज़ वन और फेज़ टू वासियों से रिक्वेस्ट है, आप निकलिए और अपने साथ कम से कम 5 लोगों को ले कर निकलिए। संडे का दिन है, आपके हिसाब से हमने चुना है, कुछ समय दीजिए, मत जाइए बाहर पिकनिक में, मत जाइए सिनेमा घर, मत जाइए, अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी के लिए टाइम दीजिए। ये आपके हक की लड़ाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू। मैं भी ये सावन एवेन्यू 1 का रविवासी हूँ, मुदस्सर नाकवा जी नाम मेरा। हमारा सेक्टर 5 का बहुत पानी का प्रॉब्लम है, जैसा अभी वैभव जी ने भी बताया। हमारे को यहाँ पे एक्चुअली जितने हमारे रेसिडेंट है वो हिसाब से बिल्कुल भी पानी तो आता नहीं है। हार्डली हमको जितना पानी मिलता है वो हार्डली आधे घंटे में भी चलता नहीं है, जो हमको सारे रेसिडेंट्स के लिए देना पड़ता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर 5 के लिए हम जब भी टैंकर के लिए कॉल करते हैं तो वो हमको वहाँ से रिप्लाई आता है कि ये सेक्टर 5 के लिए टैंकर का अप्रूवल नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि अगर पानी आप सप्लाई भी नहीं कर रहे हो और टैंकर के लिए भी एडिशनल अप्रूवल क्यों चाहिए, वो बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। पैसा कितना लगता है सोसाइटी? हाँ, टैंकर लास्ट ईयर हमारा अराउंड 1 लाख रुपया हम लोग ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ पानी के पीछे, पानी के टैंकर के पीछे। ये सेस हमारा ये पूरा सपोर्ट है तलोजा फेडरेशन के साथ और ये आंदोलन में हम भी इसका पार्ट बनने वाले हैं। तो हम सब पानी ये बेसिक नीड है, तो ये प्रॉब्लम सबसे जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन होना चाहिए और इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट है तलोजा फेडरेशन। घर में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, बच्चे का स्कूल रहते हैं, उसके बाद मेरे घर पर 2 बच्चे है, एक दोपहर का रहता है, एक सुबह का रहता है। फिर उन लोगों का नहाने का पानी कम हो जाते, आधा घंटे पानी में नहीं होता है।